हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है हमारी नए वीडियो पे। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं अपनी स्टैमिना को कैसे बढ़ाएं। गाइस, क्या आप भी रनिंग करते हैं और आपका सांस जल्दी फूलता, आप दौड़ नहीं पाते और आपको यहाँ दर्द उठ जाता है यहाँ पास और आप दौड़ नहीं पाते ज़्यादा देर तक, तो आपको मैं जो भी स्ट्रेचिंग और मैं बताऊँगा इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अगर पूरा देख लिया तो आप इजी तरीके से अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। गाइस, मैं आपको आज वो नहीं बताऊँगा कि आप इधर दौड़िए, यहाँ स्प्रिंट मारिए, आपको सब कुछ नहीं बताऊँगा। आपको बिना दौड़े अपने स्टैमिना बढ़ा के दिखाऊँगा और आपको दो मिनट में आपका भी स्टैमिना बढ़वाऊँगा मैं। गाइस, आपको करना क्या है, बस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लाते रहता हूँ। गाइस, आप मैच खेल के तो चले जाते होंगे, जैसे आप आए प्रैक्टिस में और मैच खेले और चल दिए घर, तो आपको मैच खेल के घर नहीं जाना है, आपको रिलैक्सेशन करना है, उसी में आपका स्टैमिना बनेगा। और आपको यहाँ पे दर्द देता है या पेट में दर्द उठ जाता है दौड़ते समय, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओह माय गॉड, वाओ। गाइस, आपको 5 ऐसा रिलैक्सेशन बताऊंगा जिससे आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। गाइस, आपको डेली 10 मिनट का टाइम देना है और आपको 30 दिन पूरा रेगुलर देना है और आप लोग इजी तरीके से अपना बिना दौड़े अपने स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं। गाइस, बातें तो बहुत हो गई, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पहले स्टेप में आपको करना क्या है, आपको दोनों हाथ को सीधा रखना है और अपने पैर को सीधा, और आपको ये अपने इसको खींच के रखना है, और जब आप करेंगे तो 30 सेकंड करना है, और आप जब 30 सेकंड करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका पेट है यहाँ पर दर्द करेगा हल्का, तब समझ जाइए कि हाँ आपका हल्का हल्का स्टेमिना बनना चालू हो गया। चलिए हम करते हैं। गाइस, इसको आपको 30 सेकंड का होल्ड करना है, उसके बाद ही आप सेकेंडरी स्टेप को करेंगे। गाइस, सेकेंडरी स्टेप में आपको करना क्या है, अब आपको साइड करना है इस तरह से। अपनी कमर को गाइस खींच के रखना है ये नीचे ना हो, और आपको भी इसको 30 सेकंड का होल्ड करना है। जब आपको एक साइड का हो जाए तो आप फिर सेकंड साइड को करेंगे कुछ इस तरह से। ये तो हो गया दूसरा स्टेप, अब आपको तीसरे स्टेप में करना क्या है चाहिए करते हैं। गाइस, तीसरे स्टेप में आपको सिर्फ दोनों हाथ को ऐसे रखना है और पैर को सीधा, और आपको ऐसे रखना है और आपको दोनों हाथ को ऐसे करना है, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से। गाइस, आपके यहाँ पर दर्द होना चाहिए हल्का, अगर आपको पेट में हो रहा है तो समझ जाइए आप सही तरीके से कर रहे हैं और आपका स्टैमिना बन रहा है धीरे धीरे। गाइस, इसको भी आपको 30 सेकंड का होल्ड करना है। गाइस, चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल बैठ जाना है जैसे आप बैठते हैं, और आपको आपका ये पैर है, आपके पैर को आपको ऐसे रखना है और आपको ये पैर को ऐसे करके और आपको यहाँ पास पूरा ऐसे टाइट करना है। आपके ये यहाँ पास है ना, सॉरी भाई, आपको ये यहाँ पास आपको दर्द हल्का पेन होना चाहिए। गाइस, इसको भी रखना है, थोड़ा देर होल्ड करना है आपको, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से। गाइस, पांचवा स्टेप बहुत ही बेसिक स्टेप है, क्योंकि इसको करना ही करना है आपको। क्या करना है गाइस, इसको आपको एक पैर ऐसे रखना है और आपको एक पैर पूरा टच करना है यहाँ नोज को। आपका स्टार्टिंग है, अभी नहीं होगा, हल्का हल्का धीरे धीरे करते करते आपको बनने लगेगा। इसको भी ऐसे होल्ड करके रखना है आपको, आपको यहाँ पर आपके एक लेग है, आपको यहाँ पर पेन होना चाहिए हल्का। जब आप थोड़ी देर कर लें तो आप इसको सेकंड कर सकते हैं लेफ्ट पैर का। और आपको करना क्या है, जब आप लेफ्ट का पैर आगे कर रहे हैं तो आपको राइट से करना है, ये नहीं कि आप इसी को लेफ्ट में कर दीजिए, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। आपको यहाँ पेन हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप सही तरीके से कर रहे हैं।
गाइस कुछ इस तरह से। गाइस ये जो कुछ रिलैक्सेशन था जिसे आप करके अपने स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं बिना दौड़े। गाइस ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। गाइस मेरा भी 28 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाला फाइनल एग्जाम, तो थोड़ा सा वीडियो लेट आएगी तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म होता है तो आपको रेगुलर कंटिन्यू वीडियो मिलेगी आपको। खत्म।